क्योंकि मैं उनका एडवोकेट था और अभी तक भी हूं। अच्छा, आप अभी तक उनके वकील हैं? अभी तक आप सीमा के वकील हैं? देखिए, अभी अभी तक तो मुकदमा ही सिर्फ और सिर्फ जमानत पर ही है, जब तक जमानत हुई है। जमानत होने के बाद में अभी तक कोर्ट में चार्जशीट आई ही नहीं है, और जब तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं आ जाती तो तब तक तो कोई इसमें कोई अपियर हो ही नहीं सकता जनाब। मुझे नहीं लगता कि एपी सिंह साहब, एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट यदि कानून से हटकर के बात करता है तो क्या कहेंगे आप? कोई भी कानून पसंद व्यक्ति कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता जनाब। सर जी, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मुकाबला या ये केस है ये अदालत में इश्क का चलेगा, ये जासूसी का या इलीगल तरीके से आई है, ये नहीं होगा। आपको भी लोग तारीफ कर रहे हैं, आपकी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इश्क का केस होगा या जासूसी का या इलीगल तरीके से आई होगी, कौन सा किस तरह का मुकदमा लड़ा जाएगा? देखिए तनवीर भाई, अभी मैं तब तक नहीं कह सकता कि जब तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं आ जाती इसकी, कि ये मामला इश्क से चले या जासूसी से चले, तो जब तक कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक मैं इस विषय में नहीं कहूंगा। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि हाँ, कि सीमा किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगी, उसको सजा जजा जरूर मिलेगी। देखिए, भारत का कानून तोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर इलीगल तरीके से एंट्री करेगा तो उसको देखिए सजा मिलना तो लाजिमी है। क्या वो सीमा ना कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी किसी भी देश में इलीगल तरीके से जब घुसते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसका जो केस लड़ा जाता है। लेकिन अभी तक तो हमें नजर नहीं आया, आपके इदारे आपकी जांच एजेंसी अपना काम कर रही होंगी, लेकिन जी जो ये कर रही है सर, हम चाहते हैं कि इसको रोक, इसका जो है तरीके से ये नाच कर, चलो नाच के मुताबिक आपका कहना है कि वो एक कला है, लेकिन अश्लीलता या गलत किस्म का बिगाड़ पैदा करना वो तो ठीक नहीं है ना, इसके ऊपर तो रोक लगाना चाहिए सर। तनवीर भाई, मैं रोक लगाने नहीं जाऊंगा। मैं ये रोक लगाना जो है हमारे समाज का काम है, यदि अश्लीलता है तो। नाचना गाना अच्छी चीज है, किसी की शादी होती है, ब्याह होते हैं तो उसमें नाचना गाना होता है, लेकिन उसमें अश्लीलता वगैरह जो होती है उससे फर्क पड़ता है, बहन बेटी बच्चियों पर बहुत फर्क पड़ता है अश्लीलता वाले नाच गानों से, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं जनाब जी। अच्छा सर, हिमांत जी, आप एक बड़ी शख्सियत हैं, हम आपका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। बड़ी शख्सियत मत बोलिए मुझे, बड़ी शख्सियत तो हो सकता है कि एपी सिंह हो, तो मुझे बड़ी शख्सियत ना बोले जनाब, तो मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ, भगवान के आगे, खुदा के आगे मैं तो एक मात्र तिनका भर हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, देखिए सुनिए तनवीर भाई, सुनिए जी बोलिए, रेस्पेक्ट, मैं आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो आप मेरी करोगे, सुनना, और यदि मैं यदि आपके खिलाफ यदि दिल में आपको ना जाहिर करते हुए भी दिल में कोई गलत ख्याल लाऊंगा ना, तो ऊपर वाला आपके दिल में भी मेरे प्रति गलत ख्याल स्वतः ही ला देगा। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल जी, तो
आप मुझे अच्छे लगे, हो सकता है कि मैं भी आपको अच्छा लगा हूं, तो ये तो मन मिलना बड़ा दुर्भाग्य होता है, बहुत दुर्भाग्य मतलब सौभाग्य होता है कि हमारे और आपके मन मिल गए। पता ना, हो सकता है कि अगर ये मामला ना होता तो मेरी और आपकी कभी ऐसी बातें होती ही ना। जी, लेकिन आपको सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से, वो कल भी मैंने बताया था, आपकी वीडियो लगाई थी और आपने कल भी वो कहा था कि बेगैरत और बागैरत के बाद में आपको अंदाजा हुआ था। आपकी जो वीडियो थी ना, जब मैंने देखी थी तो वो मैं बार बार देख रहा था, मैं बेगैरत बागैरत, लेकिन बार बार देखने के बाद में मुझको समझ में आई कि मैं बागैरत हूं और एपी सिंह बेगैरत इंसान है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लेकिन 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 जनाब सुनिए, आपने वो वीडियो फिर मेरे ख्याल से डिलीट कर दी। मैंने उसको देखने का बहुत प्रयास किया फिर। नहीं सर, ये भी मेरे लिए एहसास की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से सर, जो भी आपकी तरफ से गेस्ट आ रहे हैं किसी भी चैनल पे, सबसे पहले आपका भाई सबको इनवाइट किया और वन टू वन जो एक लाइव का ट्रेंड था वो मैंने सेट किया। और तन्वीर भाई, तन्वीर भाई सुनो सुनो, तन्वीर भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, यदि ये तो बड़ा भगवान की अच्छी नजर थी मेरे ऊपर कि जो आपका फोन मेरे पर आ गया, वरना आपसे पहले साहिद जी हैं और भी एक अरशद भाई हैं, मैं उनसे जरूर कहता कि मैं तन्वीर भाई से बात करना चाहूंगा। बड़ी मैं कहता जरूर। तो ये तो मेरा सौभाग्य था कि आपका ही फोन मुझ पर आ गया। जी जी बिल्कुल, आप मुझसे, आप तो मुझे बहुत पहले से बहुत अच्छे इंसान लगे जनाब जी। और ये मैं सभी को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो हिमांत जी है, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी, क्योंकि सबसे सर जी जो सीमा केस है इसको, मतलब जब मैंने खबर देखी थी तो सबसे पहले मैंने इस हवाले से वीडियो बना स्टार्ट की थी और आपकी वीडियो मैंने, आपका इंटरव्यू देखा था, उस हवाले से फिर मैंने चर्चा की थी कई दफा आपके हवाले से, आपके बारे में आपकी बड़ी तारीफें की थी और वो वीडियो बहुत ऊपर गई थी और वो मैंने लिंक भी आपको भेजा था। जी, तो ये जो आपने वीडियो चलाई थी ना, तो एक हमारे बड़े अच्छे वो हैं जो आए थे उसी समय जिस समय मैंने बेल कराई थी, एक भाई थे जुबैर खान, तो वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो भी, तो ये लाइव मैंने उन्हीं को दिया था और उसके बाद में आपने तो इसको रंग ही बदल दिया इसका। बड़ा अच्छा जी, मैंने रंग ही बदल दिया था। मुझे अच्छी आपकी शख्सियत, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस वक्त भी मैंने कोशिश की थी किसी ना किसी तरीके से, वो जो साहब है जो इस चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया था, मैंने कोशिश की थी कमेंट करके कि भाई साहब का नंबर किसी तरीके से, लेकिन मेरी वीडियो ना बहुत आगे गई थी और मुझे अच्छा लगा था जो रिस्पॉन्स आया था। और जी जी, तो आप इतना सर क्यों छुपे रहे, क्या बात, क्यों आपको, आप चर्चा में नहीं आना चाह रहे थे? जनाब मेरी बात सुनिए, मेरा छोटा सा परिवार है और मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं, और सर जी एक भगवान की कृपा से, ये एक मिनट, हसी बलोच है ईरान से, हसी बलोच, उनका एक मैसेज आया है तो उन्होंने उर्दू में लिखा है, तन्वीर भाई आप इस वकील से पूछें कि ये एपी सिंह वो बेगैरत हैं या बागैरत हैं, ये उन्होंने पूछा है, ये ईरान से, वो एपी सिंह जी, एपी सिंह बेगैरत इंसान है, बेगैरत। खुलेआम बोल रहे हैं आप। जी बेगैरत, बेगैरत, बेगैरत ना, मतलब जितने शब्द मेरे शब्दकोश में उसके लिए बुरे हैं ना, बुरे जो उसको कह सकता हूं मैं, वो सारे, और जो जिन शब्दों को आप भी समझते होंगे मैं वो शब्द उसके लिए कह रहा हूं। बिल्कुल सर, ये आपका एक बात बताइए जी जी जी
तनवीर भाई एक बात बताइए मुझे, क्या एक वकील का काम है कि वो क्लाइंट के पास जाए और लाइए जी मैं आपका मुकदमा फ्री लड़ूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तो ये तो मेरे भी जो हमारा जो वकील का जो धर्म होता है ना मैं उसके खिलाफ मानता हूँ। मुझे आज 14-15 साल हो गए वकालत करते करते, मैं आज तक किसी क्लाइंट के पास नहीं गया कि आप कि मैं वकालत करूंगा, और मुझ पर ऊपर वाले का इतना रहम है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट हूं अपने काम से। सर जी लोग आपसे इतनी तवक्कुआत रखते हैं, लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये बड़ी शख्सियत है इन्होंने सीमा की इनको जमानत कराई थी, तो जमानत कराई थी तो क्या अभी उनकी जमानत खारिज हो सकती है, ये दोबारा से जेल जा सकती है, ये जेल करवा सकती है? देखिए जनाब, सुनिए जनाब, जमानत खारिज हो जाएगी पर लेकिन मेरी एडवोकेसी के खिलाफ बात रहेगी जनाब। ये मेरी एडवोकेसी के बिल्कुल खिलाफ बात रहेगी कि मैं उनकी जमानत खारिज करवाऊं, क्योंकि मैं उनका एडवोकेट था और अभी तक भी हूं। अच्छा आप अभी तक उनके वकील हैं, अभी तक आप सीमा के वकील हैं? देखिए अभी अभी तक तो मुकदमा ही सिर्फ और सिर्फ जमानत पर ही है, जब तक जमानत हुई है, जमानत होने के बाद में अभी तक कोर्ट में चार्जशीट आई ही नहीं है, और जब तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं आ जाती तो तब तक तो कोई इसमें कोई अपियर हो ही नहीं सकता जनाब। और एपी सिंह तो बेवजह मैं उसका वकील के मैंने उसका ये कराया, मैंने उसकी बेल कराई, मैंने उसको उसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जो उसकी दया याचिका लगाई, तो वो बेकार की बातें हैं सारी।